असलकुम वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एम स्कूज फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे वट इज़ दी ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर वाई द ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर इज नीडेड इन ट्रांसमिशन लाइन वट आर द बेनिफिट्स एंड ऑफ ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर इन अवर आइट ट्रांसमिशन लाइन तो फ्रेंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आई इंपॉर्टेंट टॉपिक है के कंडक्टर की ट्रांसपोजिशन क्यों की जाती है अवर है ट्रांसमिशन लाइन में तो इंटरव्यू में भी इसका क्वेश्चन आता है एग्जाम में भी इसके बारे में क्वेश्चन आता है तो इंतई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो फ्रेंड्स अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं तो गाइज ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर इन अवर हेड ट्रांसमिशन लाइंस तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर ये क्या चीज़ होती है इसके बारे में देख लेते हैं तो इसके डेफिनेशन आप देख लेते हैं द ट्रांसपोर्टेशन इज अ फिजिकल रोटेशन इज अ फिजिकल रोटेशन ऑफ कंडक्टर सो दैट द कंडक्टर इज मूव टू टेक अप द नेक्स्ट फिजिकल पोजिशन इन इन दी रेगुलर सीक्वेंस तो इसमें बेसिकली ये होता है हम कंडक्टर की पोजिशन को चेंज करते हैं एक रेगुलर इंटरवल रेगुलर एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के बाद हम फिक्स डिस्टेंस डिस्टेंस के बाद हम कंडक्टर की जो पोजिशन को चेंज करते हैं मेन उस मीन उसकी रोटेशन को चेंज करते हैं तो इस ए, इस फिनमिना को हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर इन एवर हेड ट्रांसमिशन लाइन तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको गाइज मैंने रेड कलर में ये टिक किया हुआ है ये आप देख सकते हैं रेड कलर में ये मैंने बोल्ड किया हुआ है कि ट्रांसपोजिशन इज द ट्रांसपोजिशन इज द फिजिकल रोटेशन ऑफ अ कंडक्टर सो डैट कंडक्टर इज मूव टू टेक द नेक्स्ट फिजिकल पोजिशन एक फिजिकल पोजिशन से दूसरी फिजिकल पोजिशन में द कंडक्टर को चेंज किया जाता है या फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है इस चीज़ को हम Of कहते हैं। तो इसकी एक और भी आप देख सकते हैं रेड तो येलो ये, ये देख लेते हैं ये ब्लू तो इनकी पोजिशन को हम चेंज करें पोजिशन वन पोजिशन टू तो रेड कंडक्टर को आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो रेड कंडक्टर है इसकी पोजिशन वन ये वाली है पोजिशन टू ये देख सकते हैं ये पोजिशन थर्ड इसी तरह हमारे पास जो है वाई फेस जो कंडक्टर है येलो जो है फर्स्ट पोजिशन इसकी ये यहाँ पे है सेकेंड पोजिशन ये है और थर्ड पोजिशन इसकी ये आ गई है इसी तरह इसकी जो हमारे पास ब्लू ये कंडक्टर है ये ब्लू या ग्रीन कह सकते हैं आर जी बी भी कह सकते हैं तो इसकी फर्स्ट पोजिशन ये है ये इसकी सेकेंड पोजिशन और ये इसकी थर्ड पोजिशन तो ये गाय देखते हैं हमने कंडक्टर की ये ट्रांसपोजिशन कर दिया इन तमाम कंडक्टर की ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर एट अ स्पेसिफिक इंटर स्पेसिफिक डिस्टेंस के बाद हमने उसकी कंडक्टर की पोजीशन को यहाँ पर चेंज कर दिया है इसी फिनामो को हम ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर कहते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर इन अवर हैड ट्रांसमिशन लाइन तो आई होप आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में समझ आ गया होगा अब देखते हैं नेक्स्ट इसको देख लेते हैं कि इसको क्यों किया जाता है इससे क्या वजह होती है तो इसको मैं आप ये डायग्राम के थ्रू भी आप देख सकते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर तो फ्रेंड ये आप देखते हैं ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन अभी मैंने आपको इस डायग्राम के थ्रू पहले अभी समझाया तो अब ये ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के देखते हैं जिस कंडक्टर ये को आप देख लेते हैं ये इसकी फर्स्ट पोजिशन पहले ये जा रही है बाद में ये इधर आगे इस तरह पोजिशन है तो अगर ओवरऑल जिस तरह आगे इसकी पोजिशन चेंज होती रहेगी इस तरह हम कंडक्टर की ट्रांसपोजिशन करते हैं ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में तो फिजिकल पोजिशन ऑफ कंडक्टर चेंजेस आफ्टर द फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर तो अब देखते हैं कि वाई द ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर इज नीडेड इन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन तो इसके गाइस दो रीजन है ट्रांसमिशन है कंडक्टर को ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट का इसकी पोजीशन को चेंज करने की दो वजूहत हैं जो फर्स्ट इसमें जो वजूहत आप देख सकते हैं जो फर्स्ट इसकी वजह है तो इसके डिटेल आप देख सकते हैं दी ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर इक्वलाइज दी म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस तो इसमें हम जो हमारे पास ओवर ओवरहेड लाइन की ट्रांसमिशन लाइन की कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस की वजह से हमारे पास जो है अन वोल्टेज ड्रॉप पैदा होता है अनइक्वल स्पेसिंग की वजह से हमारे पास अनइक्वल वोल्टेज ड्रॉप होता है जिसकी वजह से हम एक कंडक्टर के जो कंडक्टर को बेसिकली उसके इंडक्टर और कैपेसिटेंस को इक्वलाइज किया जाता है ताकि हमें इक्वल हमें तम जितने फेसेस में जो हमारे पास दो तमाम ओवरऑल फेसेस में तो हमारे पास जो इक्वल हमारे पास जो बैलेंस वोल्टेज ट्रांसमिट हो तो द इेगुलर स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर गिव द कम्प्लेक्स वैल्यू ऑफ द इंडक्टेंस एंड विच मेक द स्टडी ऑफ द पावर सिस्टम कंप्लेक्स तो हमारे पास इरेगुलर रेगुलर इंडक्टर्स और कपैसिटन की जो वैल्यूज होती हैं जिसकी वजह से हमारे पास हमारे पास पावर सिस्टम का जो एनालिसिस होता है काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाता है इस वजह से भी हम ओवरल्ड लाइन में ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर की ट्रांसपोजिशन की जाती है तो इस कम्प्लेक्स वैल्यू ऑफ इंडक्टर्स एंड कपैसिटी के वजह से हमारे पास काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है ओवरल्ड लाइन में काफ़ी हमारे पास अनिक्वल वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है इन फेसिस में जिसके जिसके वजह इसको हम इसको कंपनसेट करने के लिए हम ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर की टेक्निक को यूज़ किया जाता है ट्रांसपोजिशन इज मेनली डन इन स्विचिंग इन सब स्टेशन तो गाइड ये रेड पॉइंट रेड जो मैंने हाईलाइट की काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं तो ये इसकी फर्स्ट इसका रीजन ये था तो इसमें ये भी पढ़ाते हैं दी टू ट्रांसमिट दी इक्वल वोल्टेज और बैलेंस वोल्टेज इक्वल और बैलेंस वोल्टेज फ्रॉम ईच फेस द ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर इज नीडिड तो इन तीनों फेज से हमें इक्वल वोल्टेज के लिए हमें ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर को इसलिए किया जाता है ताकि हमें तीन फेज से बिल्कुल सेम वोल्टेज हमें मिले इक्वल बैलेंस वोल्टेज मिले तो इसीलिए हम ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर की टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं जो सेकंड रीजन हमें आपको बता देता जिसका फर्स्ट रीजन था इसका जो सेकंड रीजन है वाई द ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर इज नीडेड तो ड्यू टू द अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग द मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल टू द कंडक्टर इज नॉट जीरो तो वन इक्वल स्पेसिंग के वजह से हमारे पास कंडक्टर के जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो जीरो की इक्वल नहीं होती तो इसके वजह से हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फ्लक्स लीकेज होता है वोल्टेज ड्रॉप होता है देर बाई काजिंग दी इंड्यूसड वोल्टेज इन जैसेंड इलेक्ट्रिक सर्किट पर्टिकुलर टेलीफोन लाइन में काज द डिस्टर्बंस इन इसकी वजह से हमारे पास जो ओवर कैरियर कम्युनिकेशन हो, हो, हो रही होती है जो कैरियर कम्युनिकेशन सिग्नल भी एट अ टाइम हमारे पास पावर सिग्नल के साथ साथ ट्रेवल कर होते हैं तो इस वजह से हमारे पास डिस्टर्बेंस पैदा होती है ट्रांसमिशन टेलीफोन लाइन में द ट्रांसपोजिशन ऑफ लाइन कंडक्टर इन अ ट्रांसमिशन लाइन इज एसेंशियल टू काउंटर दी अनबैलेंसिंग इफेक्ट ऑफ इ रेगुलर स्पेसिंग ऑफ कंडक्टर तो इसी वजह से भी हम इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए हम ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर को टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं जो हमारे पास इेगुलर स्पेसिंग स्पेसिंग जो होती है उसको ठीक किया जाता है ताकि हमारे पास कम से कम लॉस हो पावर लॉस कम हो तो इस तमाम तो हमें बैलेंस वोल्टेज मिलेगी तमाम तो फेस के रीजन तो है फ्रेंड्स वाई द ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर इज नीडेड तो इसका डिसएडवांटेज मैं आपको बता देता डिसएडवांटेज ऑफ ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर इन अवराइट ट्रांसमिशन लाइन तो फ्रेंड्स इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं फ्रीक्वेंटली चेंजिंग द पोजिशन ऑफ कंडक्टर तो कंडक्टर की पोजीशन को चेंज करने की वजह से हमारे पास जो है जो स्पोर्टिव स्ट्रक्चर होता है हमारे पास जो ट्रांसमिशन लाइन का जो स्पोर्टिव स्ट्रक्चर ये आप कहते हैं ये पोल देख सकते हैं हमारे पास कंप्लीट पोल है तो स्पोर्टिव स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है हमारे पास पोल का जो स्पोर्टिव स्ट्रक्चर होता है काफ़ी वीक हो जाता है एंड दी विच विच इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ पावर सिस्टम इसमें कवर सिस्टम की कॉस्ट भी हमें काफ़ी ज़्यादा पड़ जाती है तो इसका डिसएडवाटेज है ये बेसिकली ये और ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर का तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर क्या होता है इसका क्या बेनिफिट है इसको क्यों इस्तेमाल की जाती है ये टेक्निक तो आई होप आपको समझ आ गया होगा तो तमाम फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें तो थैंक यू सो मच